दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे, और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही आज रायता बनाने के साथ। आज सब्जी नहीं बनेगी, आज बनेगा रायता, क्योंकि रोज रोज तो सब्जी ही बनती रहती है। तो आज सबका रायता खाने का मन था, तो हमने लौकी को कद्दूकस करके रख दिया है उबलने के लिए। और जब तक लौकी हमारी उबल रही है, तब तक हमने मसाला भी पीस लिया है जो भून कर डाला जाता है, धनिया, जीरा, कलौंजी। तो इन सारी चीज़ों को हमने भून लिया था, उसके बाद पीस लिया है। और यहाँ पर लौकी हमारी उबल चुकी थी, तो इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। उसके बाद दही में डाल देते हैं, और ये घर का जमाया हुआ दही है, तो रायता और भी स्वादिष्ट बनेगा। उसके बाद अब करते हैं तड़का लगाने की तैयारी। तो हमने रख दिया है तेल गरम होने के लिए। जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, तब तक हम मसाला डाल देते हैं जो हम भून कर पीस कर लाए हैं। और वैसे तो पहले जब गांव में तड़का लगता था ना, दही बड़े में या रायता में, तो वो कुल्हड़ में लगता था, जो मिट्टी के बर्तन आते थे उनमें लगता था, तो बहुत ही सोंधी सोंधी खुशबू आती थी उनसे। और जब से गैस में खाना बनता है, तो ये काम खत्म हो गया है। लेकिन अभी भी जब चूल्हे पर कुछ बनता है, दही बड़ा या रायता, तो फिर कुल्हड़ से ही जो है तड़का लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने चमचे में ही लगा दिया था, क्योंकि गैस पर नहीं बनता है कुल्हड़ को पकाते हुए। और तेल हमारा गर्म हो चुका है, इधर मसाला हमने डाल दिया है। तो तेल में हमने डाल दिया है जीरा, थोड़ी सी कलौंजी और हींग। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे, और उसके बाद जल्दी से लगा देते हैं फटाफट से तड़का। और रायता बनाने के बाद हमने खाना भी बनाया था, लेकिन वो आपको दिखाया नहीं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो वही खाना आप लोगों को दिखाते ही हैं। बाद में हमने दाल चावल रोटी बनाया था, और जब रायता बना रहे थे ना, तो दाल उधर रख दी थी बनने के लिए। और इधर हमारा खाना बन रहा था, और ये आ चुके हैं सब्जी लेकर। और ये गए थे गाँव के पास में मंडी लगती है, सब्जी मंडी, वहाँ पर ताज़ी सब्जियाँ आती हैं, तो वहीं से लाए हैं आज ढेर सारी सब्जियाँ। और कभी कभी वहीं से हमारे यहाँ सब्जी आ जाती है एक साथ हफ्ते भर के लिए। और हरी सब्जी तो पास की बाज़ार से आ जाती है, लेकिन जैसे आलू, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सही मिल जाती हैं, और ताज़ी सब्जियाँ मिल जाती हैं, तभी एक साथ इकट्ठी इतनी सारी सब्जी आ गई हैं। और आप लोग सोच रहे हैं कि इतनी सारी सब्जियों का क्या करेंगे। और आलू, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें तो ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन जो हरी सब्जियां होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इन सब्जियों के लिए अब तो फुर्सत हो गई, 15 दिन तक आलू चल जाती हैं, प्याज चल जाते हैं, और जो हरी सब्जियां होती हैं वो पास की बाज़ार से आ जाती हैं। और ये देखिए, थोड़ी ही देर में बारिश होने लगी, और ये नहाने चले गए थे, और हमारा खाना भी बस बनने ही वाला था। तो हम दौड़ कर छत पर आए, क्योंकि हमारी जो सीख है वो बाहर पड़ी थी, तो उठाकर अंदर रख देते हैं। और जो कपड़े पड़े थे वो भी उठाकर हमने रख दिए हैं। और काफ़ी दिनों के बाद ऐसा मौसम देखने को मिला है, जब आसमान में काले काले बादल आए हैं, और ऐसा तो लग रहा था कि ये मौसम चला ही गया, वापस नहीं आएगा, लेकिन लौट कर आज फिर वापस आ गया है। और हल्की सी बारिश हुई थी, उसके बाद बिल्कुल बंद हो गई थी, लेकिन मौसम जो है दिन भर ऐसा ही रहा, दिन भर बदली ही छाई रही है। और ये है करीब 3 बजे का समय, ये आ गए हैं चारा करने के लिए। मम्मी घास लेकर आ गई थी, तो घास भी मशीन से काटी जा चुकी है, उसके बाद यहाँ पर चारा किया जाएगा। गाय को खोलकर खेत से यहाँ पर लाया जाएगा, और शाम से ही फिर काम शुरू हो जाते हैं पशुओं के घर के। तो यहाँ पर ये चारा पानी कर रहे थे, और हम अंदर लगे हुए हैं अपने कामों में, क्योंकि चारू अभी हमारी सो रही हैं। और ये ऐसा मौसम रहता है, तो फिर दिन का पता नहीं चलता है, और बड़ी जल्दी से पूरा दिन बीत जाता है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं पूरे घर में झाड़ू। और आज हमारे घर में ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर आए थे, उन्होंने ऑपरेशन किया है, और देखिए कितना ज़्यादा कबाड़ मचाया है। तो चारू ने इसका ऑपरेशन कर दिया, ये देखिए जितना भी इसका अंदर का था सब निकाल के बाहर निकाला है, और इतना ज़्यादा कूड़ा फैलाया है आज। तो आज चारू के टेडी बियर का हो गया है ऑपरेशन, तो इनको थोड़ा सा आराम करने के लिए रख देते हैं और लग जाते हैं अपने काम पर। और सब लोग तो सुबह चले गए थे खेत पर, और ये रह गई थी अकेले। अब अकेले करे तो करे क्या, यही काम करती रहती हैं जब घर में अकेले रहती हैं। और हम लगे थे अपने कामों में, तो इन्होंने सारा कूड़ा जो है बिखरा दिया है।
और बिल्कुल डॉक्टर बन जाती हैं वैसे ही सुई लगाती हैं और बातें करती जाती हैं अपनी टेडी बियर से कि अब तुम ठीक हो जाओगे, तुम बीमार नहीं रहोगे। तो इनकी बातें तो बहुत ज़्यादा आती हैं और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सब लोग अपने बालों से इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं कि क्या बताएं। सिर्फ आप ही नहीं, हम लोग भी बालों से परेशान हो रहे हैं और हमको लगता है इस सीज़न में बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो हम क्या लगाते हैं क्या नहीं, वो तो कुछ खास हम तो नहीं लगाते हैं, जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वही लगाते हैं। लेकिन ये जो आज हम बनाने जा रहे हैं ना, ये बहुत ही खास होती है बालों के लिए, आँखों के लिए और बालों के लिए। ये बहुत ही रामबाण इलाज है। तो दोस्तों, झाड़ू उन्हें लगा दी है और बहुत सारा कूड़ा हो गया था आज, क्योंकि चारू ने अपना टेडी बियर पूरा खोल दिया है। तो झाड़ू लगा दी है, उधर भी लगा दिए। उसके बाद आ गए हैं, ये देखिए, आंवले लेकर, क्योंकि जब आज सुबह सब्जी लाए थे ये, तो वहाँ इनको आंवले दिख गए होंगे, और क्योंकि आंवले का सीज़न जो है आ चुका है। और हर साल हमारे यहाँ जब सीज़न आता है आंवले का, तो मुरब्बा ज़रूर बनता है। तो हमने सोचा जब बनाने जा रहे हैं तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है आंवला, इसकी बनाई हुई हर एक चीज़ शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, वो चाहे आँखों के लिए हो, बालों के लिए हो, बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। तो चलिए मुरब्बा बनाते हैं, और इसको बालों में भी लगाया जाता है, इसको बनाकर भी खाया जाता है, और मुरब्बा भी कई तरीके से बनते हैं। तो आप लोगों को हम बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे आंवले का मुरब्बा बनाने का। तो चलिए, सबसे पहले हमने इनको धो लिए अच्छे से, और उसके बाद इनको हम इन आंवलों में हम छेद करेंगे छोटे छोटे, ताकि जो है चाशनी अंदर तक अच्छे से चली जाए। तो चलिए इन्हें छेद करते हैं, और हमने ये काटे लिए हैं जिससे कि चाउमीन खाई जाती है ना, वैसे तो आप चाकू से भी कर सकते हो, मगर इससे जो है जल्दी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से चालू करते हैं, और हमने कांटा ले लिया है, उसी से छेद करेंगे। वैसे तो चाकू से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और हमारे आंवले 1 किलो थे, और हर साल मुरब्बा बनता है, और क्योंकि इस सीज़न में आंवला ज़रूर खाना चाहिए, ये शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और ये देखिए, हमने छेद बना दिए हैं, जगह जगह पर छेद हो गए हैं, तो अब इसमें जो है चाशनी अच्छे से भर जाएगी। और मुरब्बा भी कई तरीके से बनता है, कोई गुड़ में बनाता है, तो कोई इसको काट कर यानी फांके निकाल के बनाता है, लेकिन हम जो बना रहे हैं वो बहुत ही आसान तरीका है। और सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन खाने में टेस्ट एक जैसा ही आता है। वैसे गुड़ वाले जो बनते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो यहाँ पर छेद कर रहे हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम हुआ जा रहा है। और जब हमारी आँखों में कोई दिक्कत होती है और बालों में कोई परेशानी होती है, तो सबसे पहले आंवला ही बताया जाता है। तो आंवला आप लोग ऐसे ही खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप मुरब्बा बनाकर खाइए। और आंवले को जो है मिक्सी में पीस कर उसका पेस्ट बालों में लगा सकते हैं, उससे भी बालों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और उसके बाद छेद हमने कर दिए थे सारे आंवलों में। तो यहाँ पर हमने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, पानी गर्म हो गया था तो उसमें डाल देते हैं आंवले। और ये देखिए, जो कल हमने मिठाई बनाई थी ना पार्ले जी बिस्किट की, तो वही बस अब ख़त्म होने की कगार पर है, सब लोग यहाँ पर खा रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, आप लोग ट्राई करिएगा, और बहुत ही आसान तरीके से बनी थी। तो आप लोग भी आ जाइए, शामिल हो जाइए सबके साथ में, और साथ साथ में ना खाना बनाने की तैयारी भी करते जा रहे थे, दोनों काम करते जा रहे थे। तो यहाँ पर करीब 15 मिनट तक हमने आंवले को उबाला था, उसके बाद ये देखिए अच्छे से पक चुके हैं, और बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, और इतना पकाना है कि चम्मच से कट जाएं, बस इतना ही पकाना है। तो देखिए बहुत अच्छे से हमारे आंवले पक चुके हैं। तो इनको जो है ठंडा होने के लिए रख देते हैं, निकाल के इनका पानी भी निकाल देते हैं। और जब आप उबालें ना, तो इसका पानी भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और बहुत से लोग तो कच्चा आंवला खाते हैं नमक लगा कर। और फिर उसके बाद हमने डाल दी है कढ़ाई में चीनी, और हमने चीनी में पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, क्योंकि अभी देखिएगा इतना सारा पानी जो आंवले का है वो निकलेगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे ही हमने आंवले डाले वैसे ही कितना पानी निकल रहा है आंवले से, इसीलिए हमने पहले पानी नहीं डाला था, केवल चीनी ही डाली थी। अभी देखिएगा कितना ज़्यादा पानी इसमें आता है, और इसी पानी और चाशनी में हमको आंवले को पकाना है काफ़ी देर, आधा घंटा तो लग ही जाएगा इनको पकाने में। और जब अच्छे से पक जाएंगे तब इनमें चाशनी भर जाएगी।
और ये देखिए कितना ज्यादा पानी निकल कर आ गया ना, और ये सारा पानी आंवले का ही है और इसमें है चीनी, तो इसी में पकेंगे ये, इसी में चाशनी भर जाएगी आंवलों के अंदर। और करीब आधा घंटा तक हमने ऐसे ही पकाया था, और स्पीड तो हमने बढ़ा दी है क्योंकि इतना बड़ा वीडियो बन जाता। तो यहाँ पर ये देखिए चाशनी अंदर तक भरने लगी है, थोड़ी देर और पकाएंगे। और कई लोग पहले चाशनी बनाते हैं उसमें आंवले डालते हैं, लेकिन हमने ऐसे ही बनाया है। ऐसा करने से अंदर तक चाशनी बहुत अच्छे से भर जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए आंवले हमारे अच्छी तरह से पक चुके हैं, अंदर तक चाशनी भर चुकी है। तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची, हमने कूट लिया है तब इसमें डाल दिया है। उसके बाद डाल देते हैं काला नमक। इन दोनों का टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और हमारी चारू को केवल इनका टेस्ट ही पसंद आया था, यानी जो चाशनी थी वही पसंद आई थी, और आंवले तो खा भी रही थी लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आया था इन चीज़ों का। और ये आंवले करीब 15 दिन तक चलेंगे, बिल्कुल भी खराब होने वाले नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि इस बार ही हमारे यहाँ बने, हर साल जब सीजन आता है तो आंवलों का ऐसे ही मुरब्बा बनाया जाता है। तो आप इसको जार में भर के रख सकते हैं और 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं। और अगर आप चाहें ना तो सुबह खाली पेट खाइए, बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाता है बालों के लिए भी आँखों के लिए भी। तो यहाँ पर डाल रहे हैं चाशनी, और देखने में जितने स्वादिष्ट लग रहे हैं ना, खाने में भी उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे। और आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए चाशनी अंदर तक भर चुकी है, अभी तो तुरंत हमने निकाले हैं, और थोड़ी देर और रखे रहते ना तो बहुत ज़्यादा अंदर तक चाशनी भर जाती। तो पूरा अंदर तक चाशनी जा चुकी है और अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं, और फ्लेवर तो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इलायची का और काले नमक का। तो यहाँ पर आंवले बन चुके हैं, तो सबको दे देते हैं। वैसे हमारे यहाँ सुबह ही खाया जाते हैं, सब लोग सुबह खाली पेट ही खाते हैं। और यहाँ पर चारू सबको दे रही हैं, और ये सोच रही थी कि ये जो है गुलाब जामुन बनाए गए हैं, तो बड़े आराम से ले गई थी सबके पास कि गुलाब जामुन है खा लीजिए। और हो सकता है आप लोग कुछ अलग तरीके से बनाते हो, तो आप लोग कैसे बनाते हैं ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि हम और भी तरीके जान सकें आप लोगों से। और उसके बाद हम फटाफट से लग गए हैं खाना बनाने की तैयारी करने में। वैसे हम साथ में करते जा रहे थे, जब तक हमारे आंवले उबल रहे थे तब तक हमने काफ़ी तैयारी कर ली थी। तो आज हमारे घर में बनेंगे चने दाल के भकोसे, तो उसकी रेसिपी आप लोगों से के साथ नहीं शेयर की क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो यहाँ पर आए हैं आज बाज़ार से भुट्टे, तो हमारी चारू को भून के दे दिया गया है, और ये चूल्हे पर भुना गया है, गैस पर नहीं भुना गया है। तो वही हमको खिला रही थी, और थोड़ा सा इनसे गुस्सा हो गए थे तो मनाने आ गई हैं हमको। और आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दिया करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और यहाँ पर खाना बना रहे हैं, उसके बाद भकोसे हमारे तैयार हो गए थे, तो सब लोग यहाँ पर खा रहे हैं। पापा जी खा चुके हैं और ये लोग भी खाकर जा चुके हैं। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए चने दाल के भकोसे खाइए आकर, और आंवले भी साथ में। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।